फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो ये आज कुछ डिफरेंट ब्लॉग है। और लास्ट ब्लॉग आपने मेरा बहुत ज़्यादा लाइक किया था, बर्थडे वाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें और वीडियोस पूरा देखा करें। सब लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और चैनल को सपोर्ट। खैर कोई बात नहीं, चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की बात। तो आज मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे कि तुम अपने वीडियोस कैसे बनाती हो, कैसे शूट करती हो, तो क्या तुम्हें कोई हेल्प करता है? तो मैं बताना चाहूँगी, मुझे कोई हेल्प नहीं करता है। मैं पूरे वीडियोज़ खुद बनाती हूँ और खुद ही अपलोड करती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ, इसलिए कभी कभी लेट भी हो जाता है मुझे वीडियो अपलोड करना। तो चलिए करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। और दो बार बोली है मैंने लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं किया। तो आज का व्लॉग है कि मैं अपनी वीडियो कैसे शूट करती हूँ। आप लोग ने मेरे फर्स्ट वीडियोस में देखा होगा कि मैं हमेशा ऐसे हाथ से कैमरा होल्ड करती थी और एक हाथ से पकाती थी, जिससे मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता भी था। तो उसके बाद मैंने ये अपना हैंडमेड ट्राइपॉड बनाया था। और अब आप लोग सोचेंगे ये मैंने किससे बनाया था, तो दिख तो रहा है कि बॉटल से बनाया, लेकिन कौन सी बॉटल यूज़ की है? तो मैंने इसमें जो है ये जूस की बॉटल यूज़ की थी। ये अलमराई की बॉटल है, जूस यहाँ पे इसमें आता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सेम बॉटल है जो मैंने इसमें यूज़ की है। और मैंने नीचे जो है ना इसमें यहाँ पे बीच से मैंने पत्थर लाए थे, बहुत सारे स्टोन्स। मुझे ऐसी चीज़ें कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे कुछ भी हैंडमेड चीज़ें बनाना, कुछ भी क्रिएटिविटी करना बहुत ही पसंद है। तो ये मैंने इसमें डाल दिए स्टोन, ताकि जो इसमें नीचे ये हैवी हो जाए और ये गिरे ना, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। और जो यहाँ पे अलमराई का स्टिकर था उसको मैंने फॉइल से छुपा दिया है, देखिए। और अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि, और हाँ, ये मेरा फ़ोन जिसमें लगा है वो है सेल्फ़ी स्टिक। तो मेरे पास एक पुरानी सेल्फ़ी स्टिक पड़ी थी जो मेरे फ़ोन के साथ फ्री मिली थी, तो मैंने ये सेल्फ़ी स्टिक यूज़ की है इसमें। और इसको जो है आप ऐसे कहीं पर भी रख के इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं और आप शूट कर सकते हैं। और उसके बाद ये आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब मैंने इसमें सेल्फी स्टिक डायरेक्ट रखी थी, तो ये जो है बहुत हिल रहा था, आप देख सकते हैं ऐसे हिल रहा था। तो मैंने क्या किया फिर इसके बाद, इसको मतलब उसमें फ़िट करने मैंने उसके लिए ये यूज़ किया है। और मैं आप लोग का दिखाती हूँ, मैं फिर से नया बना लूँगी। तो मैंने ये जो फॉइल पेपर है इस पर लगाया है, ये निकाल देते हैं। और ये क्या है, ये आई थिंक लूलू का है, नहीं ये कैंस का है। तो इसके अंदर मैंने ये पेपर यूज़ किया है और आप लोग देख सकते हैं ये पेपर है। और इसका ऊपर मैंने इसको हाइड करने के लिए, ताकि मेरी बॉटल पूरी मैच हो, उसके लिए मैंने इसके ऊपर भी फॉइल पेपर लगा दिया था। और मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया और बॉटल के मेजरमेंट का बना के और ऐसे कर दिया है। और उसके बाद हम इसको बॉटल के अंदर रख सकते। तो आप ये देख सकते हैं ये ट्राइपॉड हो गया रेडी, हमारा हैंडमेड ट्राइपॉड तैयार। और आप देख सकते हैं कि ये कितना हैवी है और इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। मैं आप लोग को इसके यूजेस भी बताने वाली हूँ, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और प्लीज़ फॉरवर्ड करके ना देखा करें, प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करें और चैनल को सपोर्ट किया करें। अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको वीडियोज़ कैसे लगते, और कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी ज़रूर बताएं। तो चलिए इसके मैं आप लोग को बताती हूँ यूजेस। उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने सेम बॉटल से और एक चीज़ क्या बनाई है। ये मैंने बनाया था ये पॉट। तो ये पॉट जो है ये भी मैंने सेम ये बॉटल से ही बनाया था। ये भी मैंने, बहुत पुराना हो गया, जब मैं अकेले रहती थी और बहुत ज़्यादा बोर होती थी तो मैं ये सब काम करती थी, तो खुद को बिज़ी रखने के लिए ये सब चीज़ें अच्छी रहती हैं। और ये आप लोग गैस करिए कि ये जो मैंने इसके ऊपर आर्ट वर्क किया है ये कैसे किया है, तो मुझे गैस करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो है मैंने ये कैसे किया है। किसी को, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो लोग बराबर गैस करेंगे। और जैसे कि आप लोग ने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि इस तरह से मैं चीज़ें, ये भी मैंने खुद से पेंट किया था और ये मुझे कुछ और पेंट करना था जो कि कुछ और पेंट हो गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने घर पे करके खुद को बिज़ी रख सकते हैं। और मैं आप लोग को और एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, और ये है मेरी पेंटिंग्स। और पेंट करना, कुछ भी ड्रॉ करना मेरी हॉबी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस जब भी मुझे, पहले तो टाइम मिलता था लेकिन अब टाइम नहीं रहता है, लेकिन टाइम कैसे भी मैनेज करके मैं ज़रूर कुछ ना कुछ पेंट करती हूँ। और ये मेरे कज़िन की
स्केच है, मैंने उसको प्रॉमिस किया जब भी उसकी शादी होगी तो मैं इसका फ्रेम करके उसको गिफ्ट करने वाली हूँ। तो बस यही, इसी चीज़ों में खुद को बिजी रखें और अपनी हॉबी को ज़रूर टाइम दें। और इसको मैंने बना दिया है अपनी कलर ट्रे, क्योंकि जब मैं कलर्स वगैरह लेकर आई थी तो मैं कलर ट्रे लेना भूल गई थी और मुझे ये बहुत ही यूज़फुल लगा, तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि आप इसको यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एग ट्रे तो आती रहती है। तो चलिए मैं आप लोग को मेरे ट्राईपॉड के यूजेस बताती हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो ये मेरा ट्राईपॉड है जो कहीं भी फिट हो जाता है, और ये देखिए आप, ये कॉर्नर पे रखा हुआ है मेरे बेसिन के बाजू में। और जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो मैं यहाँ पे मम्मी से कॉल पे, वीडियो कॉल पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि काम भी हो जाता है और बात भी हो जाती है, और फिर मुझे अलग से बैठ के बात नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। और बर्तन धोना वैसे भी मुझे थोड़ा बोर लगता है, तो बस काम करते करते बातें भी हो जाती हैं। और यहाँ पर जब भी मैं शूट करती हूँ तो मैं इस तरह से यह मेरा ट्राईपॉड रख देती हूँ। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसमें नीचे जो स्टोन्स है इसकी वजह से ये इतना हैवी है कि ये कहीं भी गिरता नहीं है। और आप देख सकते हैं कितनी कंजेस्टेड प्लेस पे भी इसको रख के आप अपना वीडियो बना सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम किचन क्वींस का तो ज़्यादा टाइम किचन में ही जाता है, तो बस किचन में ये हर जगह एडजस्ट हो जाता है। तो कुछ भी शूट करना हो, कहीं बात करनी हो, तो ये हम लोग हर जगह रख सकते हैं। तो जो भी मेरी तरह न्यू यूट्यूबर्स हैं या फिर जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और ये मेरा दूसरा ट्राईपॉड है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, जिससे मैं अभी शूट कर रही थी। और इसके साथ ये रिमोट भी है मेरे पास, जो जिससे मैं इसको दूर से भी ऑपरेट कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मेरा ये वाला ट्राईपॉड ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये कहीं भी मैं रख सकती हूँ। और इसमें जो ये इतना हैवी नहीं है, इसकी वजह से अगर इसको ऐसे प्रॉपर स्पेस बना के रखना पड़ता है, और ये टच करने से गिर भी सकता है। और मतलब बाहर के लिए ये अच्छा है, लेकिन घर के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो मेरी जितनी भी किचन क्वींस हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि हमें खुद पे भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, खुद के लिए अपने टाइम निकालना चाहिए, अपनी हॉबीज़ के लिए, अपने टैलेंट के लिए, अपनी कुछ भी चीज़ सीखने के लिए या फिर सिखाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख भी सकते हैं और सिखा सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। तो बस मुझे ये कहना है कि बस हमें कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि हमारे पास टाइम नहीं हुआ, अननेसेसरी बहुत सारी चिट चैटिंग इधर उधर उसमें वीडियोज़ देखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, बट हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम अगर सब कुछ अच्छे से मैनेज करें तो टाइम निकल ही जाता है। और बस मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने तो अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया, और माशाल्लाह बहुत ही कम टाइम में उसने एक अच्छा सक्सेस उसको मिल गया। आप देख सकते हैं कितना सारी उसने अच्छी अच्छी मेहंदी लगाई है, और ये सब ऑर्डर्स की मेहंदी है। तो बस अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और जो हमारे किचन के काम है वो तो हमें लाइफ टाइम करने हैं, वो तो हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़े हुए हैं। और बस हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, जो भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, कुछ चीज़ सीखने में या सिखाने में, हमें कुछ ना कुछ नया और ज़रूर करना चाहिए। हमें खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। और मेरी एक फ्रेंड के लिए ख़ास मैसेज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज, कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और ना हमारी लाइफ परफेक्ट है। सब में किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहती है, किसी में कुछ अच्छाई है तो किसी में कुछ बुराई है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, एक छोटा सा एग्जांपल मैं उसको देना चाहूँगी, कि जैसे कि ये सारा का केक है जो एक साइड से एकदम ख़राब है और एक साइड से एकदम अच्छा है, तो वैसे ही सबकी लाइफ होती है। अगर हम उसका अपनी लाइफ का अच्छा पार्ट देखेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे, और जैसे मैंने सारा का बर्थडे आगे व्लॉग में एंजॉय किया था वैसे हम कर पाएंगे। और अगर हम अपनी लाइफ का ख़राब पार्ट लेके अफसोस करते रहेंगे और हमेशा अफसोस में रहेंगे कि ये क्यों ख़राब हो गया, ये हमारी लाइफ में क्यों है, तो हम हमेशा ही अपसेट रहेंगे। तो मैं उसको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खुश रहें और अपनी लाइफ में वो चीज़ें ढूंढें जो बहुत ही अच्छी है, जो किसी जो और लोग चाहते हैं उसके लिए, और उसके पास नहीं है और तुम्हारे पास है। तो बस इस चीज़ों पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, अल्लाह की हर नियामत पे, और हमें खुश रहना चाहिए। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो जल्दी से लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।